तो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब। मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू व्लॉग्स। तो गाइस अभी जस्ट मैं चिनू को स्कूल से लेके आया हूँ। गाइस अपना भाई चिनू भी जाने की जिद कर रहा है कल। तो गाइस वैसे भी इसकी पढ़ाई नहीं होगी स्कूल में, अंदर चलते हैं। ओ भाई, तो गाइस ये देखो भाई चाची बीमार हो रही है बहुत ज्यादा, कपड़े चेंज कर लिए। कह रहा है कल ना इसके स्कूल में स्पोर्ट्स मीट है, पढ़ाई नहीं होगी। फिर सैटरडे संडे आ गया, सैटरडे को पढ़ाई होती है। ये कह रहा है छुट्टी मारता हूँ मैं, आपकी पोल खोल रहा है, करवाता हूँ मैं, संडे तक आ जाएंगे। ये देख लो गाइस कैसे मना रहा है चाचा को जाने के लिए। इसको लेके जाना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए घुमाने? हाँ भरते ना भाई, लड़ाई मत करो आपस में। अच्छा पेपर खत्म हो गए या चल रहे हैं? खत्म भी हो गए। अगर अच्छे मार्क्स ले तो तेरा मुंह मला दूंगी। गाइस ये देखो ये कैसे मना रहा है चीनू चाचा को जाने के लिए। इतना लाड कर रहा, देख ले यार पढ़ाई, देख ले तेरी पढ़ाई। तो गाइस अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर पे क्योंकि मामा के बच्चे भी आ गए जाने के लिए। गाइस चीनू ने बहुत जिद कर ली पर चाचा मानने ही नहीं, तो गाइस इसको भी मैं ट्यूशन छोड़ने जा रहा हूँ। कोशिश कर लो, चल बात करूंगा मैं, ठीक है? बाय भैया, बाय। गाइस चीनू कह रहा था कि भैया कोशिश कर लेना, पापा को मना लेना जाने के लिए, एक बार और ट्राई करेंगे घर जाके। तो गाइस मामा के बच्चे भी आ गए भाई घर पे, आज हम घूमने जा रहे हैं ना। गाइस ये देख लो भाई सारे मिलकर व्लॉग देख रहे हैं मेरा, कैसे देख रहे हैं जैसे थिएटर में बैठे हैं। तो गाइस आज सुबह निकलना था मनाली के लिए बर्फ में जाने के लिए, पर रात होगी 8 बज गए तो अभी निकल रहे हैं। हम सब जा रहे हैं बस चीनू नहीं जा रहा, पूरा रोने लग रहा है जब से सुबह से। कल स्पोर्ट्स मीट है, कल मैंने अभी मैसेज देखा। इसके ना भाई बहुत सारी छुट्टी बीच में आ रही है स्कूल की। गाइस अभी ना भाई चीनू ना चाचा को मनाने लग रहा है। छुट्टी तो मैंने ले रहा था, फिर मैं अंदर अंदर आऊंगा, छुट्टी भी थी फिर भी नहीं लेके गए भाई। अगर चीनू को लेके नहीं जाते ना तो अंदर ही अंदर सांस मारता है, जिससे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हमारा ना भाई दुबई जाने का प्लान था, चाचा चाची चीची ने सबका कैंसिल करवा दिया, एक नया रूल आ गया। रिया भी नहीं जा पाई गाइस, रिया कभी पासपोर्ट कैंसिल हुआ मिला। गाइस इसको छोड़ के जाने में डर लग रहा है बहुत ज्यादा, सब जगह ले जाते हैं कहीं ना लेके जाएंगे तो भाई दुखी तो होएगा ही। चीनू रो क्यों रहा है भाई, रो मत यार। अच्छा बैठ जा बस, रो मत, नेक्स्ट टूर पे पक्का जाएगा। वो सांस मत मारियो, पूरी कोशिश करी, अच्छे से बाय कर, हंस के बाय करियो, ठीक है? बाय। गाइज मेरे को भाई बहुत बुरा लग रहा है, मतलब चीनू ऐसा रो रहा है ना, हम सब ले जाना चाहते हैं इसको, चाचा भी ले जाना चाहते हैं। चाचा छुट्टी तो है यार, पढ़ लेते को बात ना हो, पढ़ लेता तो आज तेरे को लेके जाते हम, तू पढ़ाई कर। आसो मत भाई, इसके मजाक मत उड़ाओ भाई, कर जल्दी भाई बोल फटाफट, हाँ लेके चलना है। तू चाची को मना लेगी? वो रिया मना लेगी, आसू भी पूछ ली इतनी जल्दी इसने, तो भाई आसू भी पूछ लिए। गाइस ये देख लो भाई चीनू कैसे चिपका हुआ है, कह रहा मेरे को जाना है जाना है। चीनू रो मत यार, मान जा यार, इस बार नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा यार, ये बता। हर बार ना भाई ये जब रोता है ना तब मेरे को कुछ ज्यादा फील नहीं होता कि मतलब हाँ रो रहा है, पर गाइस आज ना भाई लिटरली मुझे अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि गाइस इसकी ना छुट्टी भी है। अरे बहुत देर होगी यार, हमें भी नहीं जाने दे रहा भाई, तू ठंडे में खड़े यार, हमें तो जाने दे भाई। भाई रो मत ना बेटे यार, सुन एक काम कर चुपचाप बैठ ले, चाची को पता नहीं चलेगा। वीडियो देखेगी चाची, वीडियो देखेगी, आने के बाद प्रसाद मिलेगा, चल बाय। भाई ये देख यार, ये देख लो गाइस बिल्कुल भी मान नहीं रहा, तेरे कपड़े लिया है, चल जल्दी चल जल्दी पहन, तेरे कपड़े लिया है। अच्छा गाइस ये देखो भाई चाचा के गले मिल रहा है, रिया के नहीं मिल रहा, रिया बना के आई है। चाचा के गले भी मिल लिया, रिया के गले भी मिल लिया, मेरे गले नहीं मिला बिल्कुल भी। इतनी देर से गले से मिल रखा था मैं, चिपक्के ही रो रहा था, चिपक्के हंसा नहीं तो मेरे साथ। ये देख लो गाइस कितना खुश हो गया, रिया को पुच्ची दे रहा है। बाइक कालू मोंगली हम जा रहे हैं मनाली, रिया लेके जा रही है ना, तो बुक्स वगैरह ले ली, डायरी ले ली, सब चीज ले ली, इसको वहाँ पढ़ाएंगे। ये देख लो गाइस रिया ना भाई सबसे पहले ट्यूशन वाली टीचर से एक बात करके आई है, सारी बुक्स पैक करवा ली, जा जल्दी जा कपड़े पहन के आ जा। अरे भाई क्यों कर रहे हो, मेरे को भी जाना भाई, रुक जाओ। तो गाइस अभी फाइनली हम निकल रहे हैं मनाली के लिए, सब कह रहे हैं भाई मनाली में बर्फ पड़ जाएगी तो मनाली जा रहे हैं। तो गाइस अभी रात के 1:43 हो रहे हैं, आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, चाचा चाय पी रहे हैं, चाचा गाड़ी चला जाके थक गए। मैं नींद भी आ रही, नींद भगा रहा हूं। तो गाइस अभी फिलहाल होटल में आ गए हैं, सभी सोएंगे और आराम करके सुबह आराम से उठ के फिर दोबारा से मनाली के लिए निकलेंगे। ये कैसे पॉइंट उतार रहे हैं। तो गाइस फिलहाल सुबह हो गई है, अभी ऐसे सीधा मनाली जा रहे हैं। गाइस अभी ना भाई चीनू ने बहुत गंदे वाला पाद मार दिया। क्या बात कर रहे हैं बाबा, चीनू इतना पाद क्यों मारता है भाई? नहीं मारता ना मुझे। अभी अभी भाई खुलासा हुआ है, एकता ने पादा है, एकता ने भाई चीनू का नाम लगा दिया। रिया को भी बहुत बदबू आ रही है भाई, सड़ा दिया पीछे बैठे बैठे। अरे बंदर पार लेंगे तेरे को, बुड्ढे बंदर, लो भाई लो लो कैच। ये देख लो भाई खुद ही खोल खोल के खाएगा, इसको पता है कैसे खोलना है, सारी चीज पता है। ओ भाई पूरा पहले फाड़ रहा है भाई,
ओ भाई चिप्स भी खा रहा है भाई भाई मत बस मजे ले रहे सनरूफ पर खड़े होके वो जा रहा है। फिलहाल खाना खाने रुके हैं तो गाइस खाने में दाल और तंदूरी रोटी। गाड़ी में ना भाई बैठे बैठे थक गए हैं, अब जाके आराम मिल रहा है। खाना ही नहीं खाया हमने सुबह से, घर से खा के आए थे फिर नहीं खाया। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको नीचे कर, नीचे कर। अभी साले ओए गिर गया ना, जल्दी उठ जा। सारा वो गिर जाती ना दाल सब एक में हो जाती, सारा सामान गिर जाता, बच गया। ये देखो गाइस यहाँ पे टनल बनने लग रही है भाई साहब, कैसी लग रही है। अभी 7:30 बज गए हैं, कल शाम को निकले थे, अभी तक मनाली पहुंचे ही नहीं है। हमें आज सुबह पहुंच जाना था, मतलब बिल्कुल आराम आराम से जा रहे हैं हम। 12 घंटे का रास्ता था, 24 घंटे ज्यादा हो गए, मनाली नहीं पहुंचे अभी तक। कब पहुंचेंगे चाचा, कब पहुंचेंगे? अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, ऐसा लग रहा है पता नहीं बहुत दूर है मनाली। मनाली है, मुंबई है। तो गाइस फाइनली मनाली पहुंच गए। देख लो गाइस मेरी एक चप्पल गुम होगी, एक ही चप्पल से काम चला रहा हूँ, हर जगह ऐसे ही जा रहा हूँ। बहुत टाइम हो गया, अंदर चल के खाना खाते हैं। यहाँ पे ना गाइस लिटरली इतनी ज्यादा ठंड है, 1 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसा लग रहा है मैं बर्फ पे चल रहा हूँ। क्या बात कर रहे रे बाबा, बहुत ठंड लग रही है पैर पे। मारा भी नहीं है, गिर के दिखा रहा है बेफालतू। तो गाइस फाइनली होटल में आ गए हैं, किसी भी वेट नहीं हो रहा था, कल रात को निकले थे और अब आके पहुंचे हैं। सभी रोने लग गए थे गाड़ी में कि कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे, और सबसे ज्यादा हालत चाचा की खराब हुई है, पूरे रास्ते गाड़ी चलाई है। चाचा ने किसी के हाथ में भी गाड़ी नहीं दी, चाचा बोले मैं चलाऊंगा पूरे रास्ते में। भाई तू तेज भगाता है, तुम यही बैठो एक बार हमारे। क्या है चिनू, क्या है ये पेट दिखाता रहता है, जब भी वीडियो चालू करते ना पेट दिखाने लग जाता है। तुम सारे यहीं पे रुकना। तो गाइस हमने ना भाई एक मस्त वाला प्लान बनाया है, जितने भी हमारे साथ आए हुए हैं ना, रिया चीनू मामा के बच्चे सभी सभी के साथ ना प्रैंक करेंगे, मस्त वाला भूतनी वाला प्रैंक करेंगे। ये देख लो गाइस हमने भाई प्रैंक का सारा सामान लेके आए हैं गाइस, बाल और सफेद कपड़ा लेके आए हैं गाइस। रात को हम कहीं सुनसान रोड पे निकलेंगे गाड़ी लेके और किसी को खड़ा कर देंगे ये सब पहना के, और गाइस सामने हमें एक भूत दिखाई देगा और सबका रिएक्शन देखते हैं गाइस क्या रिएक्शन होगा। ये देखते भाई सबसे ज्यादा कौन डरता है। मस्त प्लान है भाई साहब, गाइस मैं तो देखते ही डर गया भाई चाचा को। ये देख लो गाइस अभी से ही डर लग रहा है भाई साहब। चाचा कौन डरेगा सबसे ज्यादा ये बताओ। गाइस जो मामा की लड़की है ना मोटी वाली एकता, वो डरेगी सबसे ज्यादा। गाइस कल के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या रिएक्शन होगा। और गाइस अभी फिलहाल 10 बज चुके हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है यहाँ पे। तो गाइस फिलहाल सब मिलके खा रहे खाना। गाइस खाने में तवा रोटी मंगाई है और सारी घर की सब्जी मंगाई है, दाल मिक्स वेज चटनी वगैरह। तो गाइस मैंने लिए दाल मिक्स वेज मटर मशरूम रोटी मिर्च और प्याज। तो अभी खाना खाते हैं। गाइस चीनू ने तो खाना खा लिया है, अभी ना भाई ये 1-2 घंटा पढ़ाई करेगा, शाबाश बेटा, उसके बाद जाके सोएगा। चीनू ने ना भाई रो रो के सबको बनाया। गाइस मेरे को लग भी नहीं रहा था कि हमारे साथ जाएगा, बिल्कुल रो रो के आ गया हमारे साथ में। अपने जो भी इसका ट्यूशन का होगा ना सारा यही पे पढ़ेगा, रियस को पढ़ा दिया करेगी। और गाइस अभी बाकी दूसरे रूम में सभी मिलकर मस्ती कर रहे हैं, और गाइस मैं अकेला इस रूम में करूंगा एडिटिंग करने के बाद जाके मैं सोऊंगा। तो वीडियो को करते हैं यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।